नमस्कार, मैं आशा चौहान, आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं खबरें उत्तराखंड से। हरिद्वार में आगामी 1 जुलाई को पंचपुरी के सभी लघु व्यापारी संगठन महापंचायत कर नगर निगम द्वारा राज्य फेरी नीति नियमावली की उपेक्षा को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाकर नगर निगम आयुक्त कार्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। लघु व्यापारियों ने बैठक में नगर निगम पर यह भी आरोप लगाया कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने के उपरांत शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक द्वारा नगर निगम प्रशासन को तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया गया था कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में राज्य फेरी नीति नियमावली को युद्ध स्तर पर क्रियान्वयन किया जाए, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के उपरांत भी राज्य फेरी नीति नियमावली का संरक्षण नहीं मिला है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि लघु व्यापारी अपनी न्याय संगत मांगों के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, लगातार हमारे प्रयास हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो है स्ट्रीट वेंडर के लिए कानून बना दिया गया। अब वो कानून जो है कई नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में क्रियान्वयन हो रहा है। और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हरिद्वार के हमारे लोकप्रिय विधायक शहरी विकास मंत्री होने के बावजूद भी हरिद्वार क्षेत्र के अंदर आज तक टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं की गई। 2017 31 दिसंबर 2017 को टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक की गई थी, उसके उपरांत किसी प्रकार की कोई बैठक आउट नहीं की गई। पर आप समझते हैं कि अब जून महीना चल रहा है, मतलब लगातार 7 से 8 महीने हो चुके हैं और अब तक टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई। और कांवड़ मेला सर पे है, एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, यदि किसी लघु व्यापारी का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न, अगर शोषण किया जाएगा तो हम आंदोलित होंगे। मुंगेर के सदर प्रखंड के कुतलुपुर पंचायत के बहादुर नगर बिंद टोला में एक घर में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाने से आग भीषण होती चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घरों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हमारे पंचायत में, जैसे आपको मालूम कि कल रात अगलगी में लगभग 10 घर जल गए। सरकारी तौर पर अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है, न ही कोई दमकल अभी तक आग बुझाने के लिए आया है। झारखंड के पाकुड़ में रघुवर सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ सिद्धो कान्हू पार्क के समीप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम यादव की अध्यक्षता में महाधरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने प्रदर्शन के मौके पर यादव ने कहा कि इस राज्य के आदिवासी व मूलवासी को सरकार धोखा दे रहा है, साथ ही कहा कि ये राज्य के लिए विनाशकारी है। भूमि अधिग्रहण बिल को पारित कर जमीन के मालिकाना हक खत्म करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है। वहीं राज्य की बीजेपी सरकार की मंशा को इस मुद्दे पर सफल नहीं होने देंगे। जन अधिकार पार्टी पूर्णिया द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पूर्णिया कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर की। हाजीपुर में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आरपीएफ के जवानों ने जागरूक किया। आरपीएफ के जवानों ने यात्रियों से कहा कि यात्रा के दौरान चलती ट्रेन में किसी भी व्यक्ति द्वारा कुछ भी खाने को देते हैं तो आप नहीं खाएं, क्योंकि आप खाते हैं तो आपकी जान के साथ भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।